कैसे हो तुम दोनों? बहुत दिनों बाद मिल रहे हो। हाँ, हम हाथी का हाल चाल पूछने और तुम्हारा ख्याल रखने आए हैं। मेरे पीछे आओ। हाँ, चलो चलो। तबाकी ने नहीं बताया उसके साथ होगा उसका बॉडीगार्ड। तुम दोनों को यहाँ देखकर अच्छा लगा, पर इतनी रात में यहाँ आने की वजह? अकेला ने मुझे अप्पू और हीटा की देखभाल के लिए भेजा है, क्योंकि तुम बीमार हो ना हाथी। क्या कहा? अकेला ने कहा वो गजनी के साथ तुम्हारे लिए दवाई लेने गया है, इसलिए मोगली को इन दोनों का ख्याल रखने के लिए भेज दिया। अब देखो, मुझे थोड़ी सी भूलने की बीमारी तो है, पर मुझे अच्छे से याद है मैं बीमार नहीं हूँ। और गजनी, वो तो वहाँ सोई हुई है। इसमें इतना चौंकने वाली क्या बात है मोगली? आज तो पूरे चांद की रात है ना। मुझे उस फियोना ने बेवकूफ बनाया। मुझे जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना होगा। बाद में मिलते हैं। रुको मोगली। अप्पू, एलिफेंट मार्च के बाहर मत जाना बच्चों। सही वक्त है। शेरखान, इसे मैं संभालता हूँ। सपने मत देख बघीरा। तुम जाओ मोगली। तुम्हारे बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा बघीरा। ऐसा दोस्ताना देख के तो मेरी आंखें भर आई। आखिर कब तक मुझसे बचते रहोगे इंसानी बच्चे? अभी तक क्यों नहीं? तो आज की सभा हम यहीं खत्म करते हैं। तुमने